ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपकी अभ्यास पुस्तिका वसंत का अध्याय 8 ऐसे ऐसे। और ये क्या है, ये एक नाटक है और इसको अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है पात्र परिचय। पात्र का मीन्स इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है। तो मोहन है जो एक विद्यार्थी यानी स्टूडेंट है, दीनानाथ है एक पड़ोसी यानी नेबर, माँ जो है मोहन की माँ मदर, पिता मोहन के पिता फादर, मास्टर मोहन के मास्टर जी मीन्स टीचर। इसके अलावा है वैद्य जी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होता है उससे बोलते हैं डॉक्टर, और एक पड़ोसी मीन्स एक लेडी जो उनके नेबर में रहती है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। बैठक मीन्स हमारा ड्राइंग रूम। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, बरामदा वरांडा। दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो सेट है, दो और छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, गलीचे मीन्स कारपेट। बीच में कुर्सियाँ हैं, कुर्सियाँ चेयर, एक छोटी मेज़ यानी टेबल है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, तख्त मीन्स वुड से बना हुआ बेड। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हुए हैं। तो ये आपको सीन बताया है कि कहाँ से ये शुरू हो रहा है। एक रूम से शुरू हो रहा है जहाँ एक बच्चा है जो अपना पेट पकड़ के बैठा है और उसके पास में उसके मम्मी डैडी भी हैं। माँ पुचकार कर, पुचकारना होता है सर पे प्यार से हाथ फेरते हैं, उसको कहते हैं नाना ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेक ले। सेक ले कहते हैं, वो शायद पानी की बोतल लेके आई हैं गरम, जिससे वो पेट को थोड़ा सा आराम मिले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती हैं। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंटशंट तो नहीं खा लिया, अंटशंट मीन्स उल्टा सीधा कुछ भी खा लेते हैं। पिता कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कुत्ता फिर रहा था। बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यकायक मीन्स अचानक बोला। माँ कैसे, पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़बड़ होती है तो बोल, नहीं तो फिर पूछा चाकू सा चुभता है, चाकू मीन्स नाइफ, तो जवाब दिया नहीं गोला सा फूटता है, तो फिर बोला नहीं जो पूछा है उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। हवाइयाँ उड़ना मीन्स उसका जो ध्यान है वो पूरा भंग हो रखा है। पिता अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाच रहा था, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। माँ जोर से, मोहन जोर से कर, माँ ओ माँ, माँ ना ना मेरे बेटे मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है, तकलीफ मीन्स उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, मीन्स वो पेट को पकड़ के इधर उधर लेट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती मीन्स उसको चैन नहीं आ रहा है। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, जब पेट में दर्द होता है तो बच्चे को घर में दिया जाता है, लेकिन फिर भी मोहन को कोई आराम नहीं हो रहा है।
रास्ता भी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिताजी उठाते हैं। पिता, यह 4-3-3-3-2 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा था। बस जी, नहीं गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं हुए। दस्त मीन्स लूज मोशन। जी हाँ, पेशाब तो आया था, यानी यूरिन। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब फिर देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा होगी। फ़ोन का चोगा रख देते हैं, चोगा मीन्स रिसीवर। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो ये जो सभी ऊपर टॉक्स हुई वो किसके बीच में हुई? मोहन के पिता और डॉक्टर के बीच में, जिसने मोहन के बारे में पूछा कि उसको कैसा लग रहा है। पड़ोस की लाला दीनानाथ का प्रवेश। मोहन जोर से कराता है, कराना मीन्स रोना। मोहन, माँ माँ, ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नहीं नीचे झुकता है। फिर माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, उल्टी मीन्स वॉमिटिंग। माँ कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसे पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। तो मोहन की माँ है, वो बेचारी चिंतित है कि मोहन की तबीयत ख़राब है, नहीं तो वो पूरे दिन इधर उधर भागता रहता है घर में। दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। गुलजार मीन्स रौनक रखता है वहाँ पे। इसे छेड़ा, उसे पछाड़ा, इसे मुक्का मारा, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ, हर कहीं मोहन ही मोहन। मीन्स जब उसकी तबीयत सही रहती है तो वो पूरा टाइम घूमता रहता है। पिता, बड़ा नटखट है, नटखट मीन्स नॉटी। माँ, पर अब तो बेचारा कैसे थक गया है। थक गया मीन्स टायर्ड हो गया है। मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ, जी हाँ कुछ बड़ी तकलीफ़ है, तभी तो पड़ा है। मामूली तकलीफ़ हो वो तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे अभी आ रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे 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 ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआंसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ, ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन, ऐसे ऐसे, पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो आते हैं और मोहन के पास चेयर पर बैठते हैं। पिता, वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है। समझ में नहीं आया यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है, नाड़ी दबाकर वात का प्रकोप है, मीन्स गैस हो गई है उसको। मैंने कहा बेटा जीभ दिखाओ, मोहन ने जीभ दिखाई। जीभ मीन्स टंग। कब्ज है मीन्स कॉन्स्टिपेशन है उसे। पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोलता हूँ, टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक गया है, वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कर रहा कर, जी हाँ ओह। वैद्य जी हर्ष से उछल कर मीन्स खुश होकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मीन्स वो एक कागज़ से बनी हुई दवाई की पुड़िया भेजेंगे, मामूली बात है। पर यह मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। छका देना मीन्स बड़े बड़ों को थका देती है, ये चीज़ उनकी समझ में नहीं आती। समझने की बात है, मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो।
मोहन की माँ से आधे आधे घंटे में गर्म पानी से देना, यानी 30 मिनट्स के गैप के ऊपर ये दवा देनी है। 2-3 दस्त होंगे, मींस 2-3 बार उसको लूज मोशन होगा, बस फिर ऐसे 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 भागेगा कि गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं, मींस उनको रुपए देते हैं। पिता, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया है। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, मोहन कर रहा था है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, अभी देखता हूँ, जीभ दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कर रहता है, मींस दोबारा से वो साउंड करता है आ ऐसे करके, इसको कहते कराना। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी ख़राब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, मींस थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, यह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है, मींस पेट को बार बार टच करते रहते हैं। डॉक्टर माँ कांप कर, फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहन से ज़रा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है, मतलब इनडाइजेशन है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है कि एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी, मीन्स एक डोज खुराक में इस डोज लेंगे तो सही हो जाएगा। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी से ऐंठन होने लगती है। डॉक्टर जाते हैं, मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर दूर से, हाँ गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसन आती है, पड़ोसन यानी नेबर में रहने वाली लेडी। क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ, आओ जी रामू की काकी, कैसे क्या होता है, कैसा क्या होता है, लोचा लोचा फिरे है, मतलब वो बहुत ही परेशान होके घूम रहे हैं, जाने का ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसिन, ना जी इतनी नई नई बीमारी निकली है, देख लेना यह कोई नई नया दर्द होगा, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, नए नए बुखार निकल आए हैं, वह बात है, खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उसके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया, आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है, मीन्स उसके टीचर आ गए हैं अभी। माँ, ओ मोहन के मास्टर जी, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, क्यों भाई। पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं होगी, मीन्स मज़ा ही नहीं आएगा। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया है इसे। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द, समझ आ गया उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर साहब तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच क्या बीमारी है यह। मास्टर, अभी बताता हूँ। मोहन से, अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ
एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिला देता है। मीन्स वो बोलता है, मैंने वर्क नहीं किया है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन जी। मास्टर, तो यह क्या बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है? माँ चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है, मीन्स वो डर के मारे छुप जाता है। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की है, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी रहती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए 16। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है, यह ऐसे ऐसे का पेट दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। पिता, हैं? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पे गिर पड़ती है। एक क्षण में सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्टहास में सब लोग मिलकर जोर से हंसते हैं। तो इस तरह से ये एक स्टोरी है मोहन नाम के लड़के की, जो स्कूल का वर्क नहीं करता और फिर बहाना करता है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है ताकि उसको छुट्टी मिल जाए, और बाद में उसी के जो टीचर हैं वो आकर इस चीज़ को अपने उसके घर वालों को समझा देते हैं। तो आपको ये अध्याय कैसा लगा, एक्सप्लेनेशन उसका, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।